वेलकम टू इंडियंस किचन। मैं हूं नेहा और आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं 3 टमाटर, तो ये मीडियम साइज के टमाटर हैं। 1 हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है यहाँ पर, और धनिया के जो पीछे वाला पार्ट होता है, जो उसकी डंडी होती है, उसको लिया है। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और 6 से 7 यहाँ पर काजू लिए हैं मैंने, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं, और अब मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है और उन्हें हमें क्यूब में काट लेना है। तो मैंने इस तरह के बड़े क्यूब लिए हैं। और अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, और उसमें मैंने 1 चम्मच बटर डाला है। ये होममेड बटर है इसलिए वाइट है ये। और अब हमें इसको क्या करना है, लो फ्लेम पे बटर को पहले पिघला लेना है और थोड़ी सी इसमें रेड चिली पाउडर डालना है। तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है ताकि कलर अच्छा आए। और अब हमने क्या करना है, जैसे ये मेल्ट हो जाए तो हमने जो क्यूब काट के रखे थे वो इसमें डाल देंगे, और गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। तो इस तरह से हम सारे क्यूब को इसमें बटर में डाल देंगे और इसे हल्की आंच पे इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है। जब ये 1 मिनट हो जाए तो इसको पलट ले और दूसरी साइड से भी इसे हल्का सा फ्राई करना है। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट हमें इसे फ्राई करना है लो फ्लेम पर। जैसे ही पनीर फ्राई हो जाएगा तो हमें इसे तुरंत प्लेट में निकाल लेना है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और अब हमें सेम पैन में ही 1 बड़ा चम्मच बटर पाउडर ले लेना है, और जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाए हमने इसमें ज़ीरा डालना है। तो ये देखिए हमने इसमें जीरा डाल दिया है, और अब जीरे को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। और जैसे ही हमारा जीरा भून जाता है फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। तो मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और इसमें हम डाल देंगे और प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब आप गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रख सकते हैं और प्याज को अच्छे से भून लें। प्याज का अच्छे से भून जाने के बाद हम इसमें मिर्ची पाउडर डाल देंगे, और साथ ही में इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, और इन्हें भी अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएं, उसके बाद हमने जो टमाटर वाला पेस्ट बनाया था स्टार्टिंग में, उसे हम इसमें डाल देंगे। और जार में थोड़ा सा रह जाता है तो उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के जार को क्लीन करके वो भी इसमें हम डाल देंगे, और अब इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो मसालों को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा हमने इसमें नमक और हल्दी डाला है, और इन सभी चीज़ों को भी हम मिक्स कर लेंगे। और जब इसमें से इस तरह से ऑयल आ जाए तो इसमें 1/2 कप मैंने दूध डाल दिया है। अब दूध डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे, तब तक हमें इसे मिलाना है जब तक कि दूध में बॉयल ना आ जाए, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो दूध फट सकता है और हमारी ग्रेवी ख़राब हो सकती है। तो इसे लगातार चलाते रहें जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। तो बॉयल आने के बाद अब देखिए हमारा दूध बिल्कुल नहीं फटा है। अब आप नमक और डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। पहले ज़्यादा नमक इसलिए नहीं डाला था क्योंकि दूध फिर फट सकता था। और अब हम इसे ढक देंगे। ढकने के बाद देखिए ये अच्छे से जब भुन जाए हमारी ग्रेवी, अब इसमें हम पनीर डाल देंगे, और साथ ही में हमने इसमें डाल दिया बटर, क्योंकि ये पनीर बटर मसाला है तो बटर तो इसमें बार बार डलेगा ही, तो इसमें बटर डाल देंगे। और अब हमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी सी इसमें डालनी है कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला और धनिया। तो धनिया डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, धनिया डालने से थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है। बस हमारा पनीर बटर मसाला बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं, और सर्व करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया और डाल देंगे गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा बटर और डाल देंगे। तो अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, और चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।